नागपुर शहर में हम पहली बार करने जा रहे हैं जो है भक्तांबर महामहोत्सव। भक्तांबर महामहोत्सव जो कि 23 जून दिन रविवार सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा, जहां पे भव्य जुलूस निकलेगा जैन धर्म की अहिंसा की फटाका। भक्तांबर जुलूस पहली बार नागपुर शहर में निकलने जा रहा है। उसके बाद ही सुरेश भट्ट में हम सब प्रवेश करेंगे, सभी के लिए मंत्रित माला, मंत्रित दुपट्टे, मंत्रित हाथ का रक्षा कवच और सभी का उससे स्वागत होगा। उसके बाद डॉक्टर अनीश जैन द्वारा मेडिटेशन होगा। मेडिटेशन के तुरंत पश्चात मंत्र की धुन के साथ एक भक्तांबर का मंगल, भक्तांबर और नमोकार मंत्र का मंगलाचरण होगा। उसी के बाद तुरंत नागपुर शहर में पहली बार भक्तांबर की बहुत अच्छी नाटक की प्रस्तुति होगी, जो डॉक्टर मंजू जैन द्वारा सोनल जयसवाल के सहयोग से सारिका पेंसे की टीम ने डिजाइन किया हुआ है। उसी के बाद में तुरंत में एक बहुत अच्छा 4800 दीपक एक साथ हाथ में लिए जाएंगे और वो 4800 दीपक के साथ कंप्लीट आप इसमें दिगंबर सितंबर स्थानकवासी मतलब सकल जैन समाज की लगभग 28 महिला मंडल, सकल जैन समाज की 28 से 30 ट्रस्ट कमेटी उस हॉल में मौजूद रहने वाली है और हमारे लगभग दिल्ली बेंगलोर मुंबई इलाहाबाद सभी जगह से आए हुए लगभग 100+ अतिथि वहां रहने वाले हैं। हमारे सभी चीफ गेस्ट वहां पे रहने वाले हैं और उस आयोजन का दीप प्रज्वलन किया जाएगा। नाटिका वहां दिखाई जाएगी, भक्तांबर की 4800 दिए से भक्तांबर का पठन पाठन किया जाएगा और उसके तत्पश्चात जो लोग भोजन के बाद में जो लोगों को भक्तांबर से बचे हुए हैं, जो लोगों के भक्तांबर से डिसीज ठीक हुई है, जिनके कैंसर ठीक हुए हैं, जिनकी बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हुई है, वो बीमारियों का आप आधे घंटे वो जरूर लाइव देखें कि किस तरह से लोगों ने अपनी बीमारियों पे इलाज पे अपनी जैसे आप हजारों लाखों रुपए जहां इलाज में खर्च कर देते हैं उसके साथ यदि भक्तांबर की शक्ति नमोकार मंत्र की शक्ति जुड़ जाती है तो मैं ये मानती हूँ कि वैसे ही लोग ठीक हो जाते हैं। उसके पश्चात नागपुर शहर में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है कि इंटरनेशनल भक्तांबर अवार्ड नागपुर में दिए जा रहे हैं, जिस भक्तांबर अवार्ड में आप केवल इंडिया में नहीं विदेश तक वो अवार्ड जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो भक्तांबर से फायदे लिए हैं, जिन्होंने भक्तांबर पे PhD की है, ऐसे लोगों को कोविड से जिन्हें भक्तांबर में बहुत लोगों को फायदा लिया है, ऐसे लोगों को नागपुर में डॉक्टर अनीश जैन और इनका संस्था जो भक्तांबर इंटरनेशनल भक्तांबर स्त्रोत महोत्सव के समय में इंटरनेशनल भक्तांबर हीलिंग एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा वो अवार्ड दिए जाएंगे और उसी के तत्पश्चात गोद भराई का कार्यक्रम, ऐसी भव्य गोद भराई जो माता आप मानते हैं कि उस दिन भगवान आदिनाथ का गर्भ कल्याणक है, उस गर्भ कल्याणक के पावन अवसर पर 48 माताओं की गोद भराई होगी। जैसे अनीश जैन जी ने अभी बताया कि वह माता जो प्रेग्नेंट है, जो वह माता जिनके भक्तांबर के उससे बच्चे हुए हैं और वह माता जिनको बच्चे नहीं है, वह भी ऐसी गोद भराई हम वहां करने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छा अवसर हम लोग देने वाले हैं। तो आप सब अनीश भैया का जो प्रयास है, डॉक्टर मंजू जैन का जो प्रयास है, सुभाष कोटेजर, सतीश भैया, संगीता जी और संपूर्ण सकल जैन समाज का जो प्रयास है और उसको सफल बनाना है और इसमें हमारे विशेष अतिथि आदरणीय श्री विजय दर्डा जी, IAS ऑफिसर अनुराग जी, दिल्ली से हमारे अनिल भैया, जितेन भैया, शीला दीदी, साथ में उज्ज्वल पगारिया, सोनल जयसवाल, नितिन खारा जी, ओम शांति तेजपाल जी, संतोष पंडारिया, वे पनवेलकर, सुभाष कोटेचा, भरत बाटबिया, दिलीप राका, निखिल कुसुमगर, अतुल कोटेचा, मनीष भाई मेहता, अनिल जैन भैया, आनंद भैया, संतोष भैया, अनुज बरजात्या, सतीश पैंडारी जी, प्रशांत मानिकर, सभी मतलब हर समाज के अध्यक्ष, मंत्री, ट्रस्टी, सभी महिला मंडल के अध्यक्ष वो उस दिन हमारे साथ हैं और सबको साथ रहना है। ये प्रोग्राम मैं एक संदेश यहाँ मीडिया को देना चाहूंगी, ये प्रोग्राम केवल जैन का नहीं है, ये प्रोग्राम हम कर आपका सभी का है और जन जन का है। तो सब मैं अनीश भैया से बोलूंगी सभी को आमंत्रित कर दें उस